अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमन सून। और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ रिबन सैंडविच की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक कैरेट और इसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट के बॉईल कर लिया है। और बॉईल करने के बाद हम इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे तो हमें कुछ इस तरह से कैरेट पेस्ट मिल जाएगा। हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट्स है बीटरूट। बीटरूट को भी हमें छोटे पीसेस में कट करके बॉईल कर लेना है और फिर मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा बीटरूट पेस्ट भी रेडी है। अब मैंने यहाँ पे लिया है ग्रीन चटनी। ये चटनी मैंने धनिया और पुदीने की बनाया है जो हम नॉर्मली सैंडविच में इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे बीटरूट में 2 टीस्पून डाला है मायोनीज और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बीटरूट मिक्सचर रेडी है। इसी तरह से हम कैरेट पेस्ट में मिक्स करेंगे चीज़। तो यहाँ पे आप क्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आपके पास क्रीम चीज़ होगा वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अपनी पसंद से 1 या 2 क्यूब डाल सकते हैं इसमें और फिर इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जब तक कि ये गाजर में जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। तो यहाँ पे हमारी सैंडविच बनाने की सारी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है। तो चलिए सैंडविच को असेंबल करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है ब्रेड और ये होल व्हीट ब्रेड है। आप चाहे तो वाइट ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम इस पे अप्लाई करेंगे बटर। बटर अप्लाई करने के बाद हमें इस पे लगाना है चटनी। ग्रीन चटनी आप अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे पूरे ब्रेड पे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब मैंने सेकंड स्लाइस लिया है जिसे मैंने ऑलरेडी बटर लगा दी है। तो बटर साइड जो है वो डाउन पे रहेगा और जो दूसरी साइड है ब्रेड की उस पे हम हमारे बीटरूट का मिक्सचर अप्लाई करेंगे। तो इसे भी बहुत अच्छे से आपको स्प्रेड करना है ब्रेड पर। तो अब हम लेंगे थर्ड ब्रेड और इसी तरह वन साइड हमको बटर लगा लेना है और बटर साइड डाउन रहेगी। और अब जो ऊपर की साइड है उस पे हम लगाएंगे हमारा कैरेट का पेस्ट। इसे भी हमें अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है ब्रेड पर। और अब फोर्थ ब्रेड पे भी हम इसी तरह से बटर लगा के इसे कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा सैंडविच जो है वो 4 ब्रेड में तैयार होगा। अब हम इसके जो किनारे हैं उसे ट्रिम कर लेंगे। किनारों को ट्रिम करने के बाद आप जैसे चाहें वैसे इसके स्लाइस बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे आप पहले 2 पार्ट में इसे कट किया है। ये देखिए यहाँ पे हमारा खूबसूरत सा और बहुत ही टेस्टी यम्मी सा हमारा सैंडविच रिबन सैंडविच बन के बिल्कुल तैयार है। तो व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।